भाइयों और बहनों, जब कोई क्षेत्र विकास के पथ पर बढ़ता है, शहरीकरण तेज होता है, तो उसे अक्सर बिल्डर माफिया की बीमारी भी जकड़ लेती है। 2014 से पहले महाराष्ट्र, मुंबई और उसके आसपास के इलाकों की स्थिति यही थी। रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर माफिया और अंडरवर्ल्ड का क्या रिश्ता रहा है, कैसे कैसे काम यहां हुए हैं, उसके दाग आज तक कांग्रेस और एनसीपी के नेता धो नहीं पाए हैं। भाइयों और बहनों, शेतकरी समाज की जमीन हड़पने और गरीब के घर के सपने दोनों को कुचलने वाले इस माफिया को समाप्त करने का प्रयास बीते 5 वर्षों में हुआ है। पहले नेताओं से सांठगांठ के चलते बिल्डर माफिया की मनमर्जी चलती थी और अब वो बात बीते दिनों की हो गई है। रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए रेरा जैसा कानून बनाने की मांग दशकों से हो रही थी, लेकिन इससे कांग्रेस एनसीपी के नेताओं की दुकान बंद हो जाती। रियल एस्टेट को भ्रष्टाचार की पूंजी खपाने का बहुत बड़ा माध्यम बना दिया गया था। साथियों, आज रेरा जैसा कानून लागू होने से ग्राहकों और घर बनाने वालों के बीच भरोसा मजबूत हुआ है। इसका बहुत बड़ा लाभ महाराष्ट्र को हुआ है, मुंबई से सटे सबर्बन इलाकों को हुआ है। हमारी नीति स्पष्ट है, माफिया को माफ नहीं बल्कि माफियागिरी साफ कर दी जाएगी। भाइयों बहनों, रियल एस्टेट के माध्यम से पूरी ईमानदारी से जनसेवा कर रहे, घर के सपनों को साकार करने वाले बिल्डर साथियों के साथ जो ईमानदारी से चलेगा, हम उसके साथ मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। महाराष्ट्र सहित पूरे भारत में रियल एस्टेट को सपोर्ट करने के लिए हर संभव पॉलिसी प्रावधान सरकार कर रही है। हमारा प्रयास है कि रियल एस्टेट सेक्टर हमारे युवाओं के घर का सपना भी पूरा करे और रोजगार का सशक्त माध्यम बनकर भी उभरे।